बताइए कितने लोग यहाँ हैं जो अपने बच्चों का पेपर 27 लाख में खरीद रहे हैं। तो किसके लिए रखे हुआ था? एक लसी खैर खाने के लिए, अमित यादव के लिए, जानकी यादव के लिए, अन्नपूर्णा मैडम के लिए, नीना मैडम के लिए, मनीष जायसवाल के लिए, क्या ये चंद्रोपे राजा हुआ था? ये आपका राजा हुआ था? तो आप बच्चों का भविष्य कहा है? कहा है आपका शिक्षा नीति? कहा है आपका सिलेबस? जब इस बात की गारंटी लेगा कि हर एक साल 15 तारीख को जेपीएससी की परीक्षा होगी, होगी कहां वो सिलेबस? कहा वो कलेक्टर? क्या है आपका कलेक्टर? कहा वो कलेक्टर? हम पूछना चाहते हैं। आईपीएल का कैलेंडर है, हर एक भारत के भारत का कैलेंडर है, लेकिन आपके बच्चों की परीक्षा का कैलेंडर नहीं है। कैसे राजनाथ आप बताइए कि आपका खून नहीं खोलता है? कि आपका खून जुआ के अखाड़े में खोलता है? कि आपका खून भुआ के अखाड़े में खोलता है? कि आपका खून शराब के अड्डे में खोलता है? अगर सच में आप है और आपका पुसाफ है और आपका खून खोलता है, तो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ काम करता है। आज ही आज असम के बलिदान, असम के संघर्ष के बाद मेरा ये राज्य, आप इस राज्य में युवाओं की हालत खराब है, आप इस राज्य में किसानों की हालत खराब है। आज किसान खड़े तो क्या करे? आज आपकी जमीनों को उद्योग के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां लेके चली जाती है। आपके यहाँ के डीपीएस है, आपके यहाँ झुमेल के लिए गया है, ठीक उसी प्रकार बोकारो में टेन घाट का डैम है, हजारीबाग में पुनार का डैम है, धनबाद में माचेर पंचायत डैम है। किसानों की जमीनें यूं थोड़ी के भाव में आती है, लेकिन सवाल है जिन किसानों ने जमीन दिया है आज उनका परिवार का। आप इसी खेती केस में जिसे आप कोटरबा थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग रवि ने बता रहे 32 करोड़ की जमीन नहीं है। जिन लोगों ने जमीन दिया है क्या उनके परिवार के लोग यहाँ काम करते हैं? ये कैसी व्यवस्था हमने बनाई है? इसलिए आज हम चुनाव लड़ना इसलिए आए हैं कि हम लोग व्यवस्था को बदल लिया। टाटा की स्थापना कब हुई थी आपको मालूम है? 1907 में, मालूम है ना? टाटा की स्थापना 1907 में हुई थी। अच्छा आपको मालूम है कि टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मनसा नहीं आपको मालूम है? रिलायंस की स्थापना किसने की थी? धीरूभाई अंबानी ने। आज मालिक कौन है? उनका बेटा है। तो जब जमीन हमारे पूर्वजों ने लिया है तो हमारे परिवार के पास नौकरी क्यों मिलेगी भाई? टाटा ने 100 साल पहले जमीन लिया है, आज भी टाटा मालिक है। तो अगर हमें जमीन दिया है तो जमीन के बदले नौकरी अगर 100 साल पहले मिला था तो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलना चाहिए। ये नियम होना चाहिए। फिर आप कहते हैं किसानों का देश है भैया, कैसे किसानों का देश मान लेंगे आप? इसलिए आज हम ये नई सोच के साथ एक नए झारखंड को बनाने के लिए आए हैं। अभी आपको आगे बढ़ना है कि नया झारखंड कैसा बनेगा। नया झारखंड चंद परिवारों के लिए बनेगा या नया झारखंड समस्त झारखंडियों के लिए बनेगा, ये आपको तय करेगा। हम लोग एक नए विजन के साथ आए हैं, एक नए सोच के साथ आए हैं। आज भाई ये नौकरी तो छोड़िए, ठेकेदारी की बात कीजिए। कितने लोग हैं आपके ठेका में? कितने लोग हैं आपका ठेकेदार यहाँ? कितने लोग हैं आपके सुपरवाइजर यहाँ? कितने लोग हैं आपके यहाँ के मैनेजर? आपको वर्कर भी मिला, उसमें भी अब वर्कर का भी काम आपको नहीं मिला। आप कहते हैं हमें झारखंड बनाया, इसलिए आज आप सही में आपका खून खोलना चाहिए, सही में आपको गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ होना चाहिए। आज इस राज्य की तस्वीर हमने नहीं सजाई थी। आज हम चर्चा चर्चा में पता चला कि चाचा का बेटा ठीका लेता है, भतीजा का भाई ठीका लेता है। हम लोग झाल बोले बच्चे, बस बिहार के वजह से भाई कोरोना के स्टेशन में हम लोग झाल बोले बेचेंगे, गरम चाय बेचेंगे। इसलिए हमने एक नया हमारी पार्टी एक ऐतिहासिक बदलाव ये भी करने जा रही है कि अगर हमारी राजनीतिक पार्टी से कोई चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग बकायदा जब वो प्रत्याशी बनेंगे उनका दस्तखत होगा कि अगर वो विधायक सांसद बनते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी को टिकट नहीं मिला। ऐसे दारी नहीं बदलता, ऐसे देश नहीं बदलता, एक सोच से देश बदलता है। आपको हमने बढ़ाया खड़ा है, आपका पेमेंट 3 लाख है, बदले में आप किसको लगा रहे हैं? अपना भतीजा को लगा रहे, अपना भाई को लगा रहे। अरे आपका ऑलरेडी 3 लाख पेमेंट है, यदि आपको वो लगाना ही चाहिए था तो कोटरबा के वर्ग का गरीब व्यक्ति को लगाना चाहिए था, तब हम समाज में आएगी बात करते।
इसलिए आज बरकटा के सरजमीन पे धनबाद कई नाथ भारत आपको संदेश लेकर आया है। इधर चौबीस का चुनाव का संग्राम कर रहे हैं और चुनाव में हम इसलिए आना चाहते हैं कभी झारखंड के साथ जो लोग कसौट रचा है उसको हम लोग ब्रेक करा सकते हैं। ये राज उस परिवार के लिए नहीं बना है, चाहे वो परिवार हेमंत शरण का रहे, चाहे वो परिवार अमित यादव और जानकी यादव का रहे। ये राज यहाँ के युवाओं के लिए बना है, ये राज यहाँ के किसानों के लिए बना है, ये राज यहाँ के कामगारों के लिए बना है, ये राज अंतिम व्यक्ति का विकास की किरण में जाने के लिए बना है। आप तो विधायक की कुर्सी नहीं जाने दे रहे। इसलिए आज